नमस्कार दोस्तों, टुडे ट्रेंडिंग न्यूज़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वायरल वीडियोस और ट्रेंडिंग न्यूज़ से संबंधित अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाइए मोर अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में कितना वर्क आता है, आप इसे कैसे पता कर सकते हैं। गाइज, हमें पूरी डिटेल जानकारियाँ नहीं होती है कि हमारे ग्राम पंचायत में या हमारे ब्लॉक में, हमारे जिला पंचायत में कितना काम आया, कितना काम पूरा हुआ, ये चीज़ हमें डिटेल जानकारी नहीं होती है। इस वजह से हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे ज़िला पंचायत में या फिर ग्राम पंचायत में, ब्लॉक में काम आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो फिर कितने रुपये आए हैं, या हो सकता है कि पार्टिकुलर आपके नाम से भी कुछ काम आए होंगे, जैसे शौचालय वगैरह बनाना, तो ये आपको भी पता नहीं होगा और आपको पैसा वगैरह नहीं मिलते होंगे और शायद ये सारे पैसे करप्टेड हो जाते होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारियाँ देने वाले हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में कौन से काम के लिए कितने पैसे रिलीज हुए, आपके नाम से पैसे रिलीज हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर किसी और के नाम से कितने रिलीज हुए, कौन से काम के लिए हैं, सारा कुछ मेंशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र पे जाना है, जैसे कि मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है एमजी नरेगा। तो ये आपको गूगल में टाइप कर लेना है। जब टाइप करेंगे तो इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। तो जो सबसे पहले में दिख रहा है mnarega.unique.in, यानी कि इस पर आपको क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे गए आपको क्या करना है, यहाँ पे गए आपको देखना है पंचायत gp/psjp, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यानी कि यहाँ पे पंचायत में हमें तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत या मंडल या जिला पंचायत। यानी कि हम ग्राम पंचायत में भी अपना काम देख सकते हैं कि आया हमारे ग्राम पंचायत में, या फिर आपका जो ब्लॉक है, मंडल है, उसके अंडर में कितने सारे काम आए, या फिर आपके ज़िला पंचायत में कितने काम आए। तो ये इस वेबसाइट से आप बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ निकाल सकते हैं जो कि आपको पता हो जाएगा कि हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट या हमारे पंचायत में क्या कौन से काम है, किसके नाम से काम है। तो मैं फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्राम पंचायत। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन ओपन होते हैं। तो यहाँ से हम सेकेंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ तो ऑप्शन हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, डाटा एंट्री, जनरेट रिपोर्ट, सरप्राइज वेज लिस्ट, सेंड वेज लिस्ट टू बैंक, पोस्ट ऑफिस। तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, जनरेट रिपोर्ट्स, यानी कि हमारे ग्राम पंचायत में कितने ऐसे रिपोर्ट्स, यानी कि कितने ऐसे काम जनरेट हो गया, उसका रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम जनरेट रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के नाम आपके सामने आ जाएंगे इस लिस्ट में, और यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन से स्टेट का, कौन से ग्राम पंचायत का आपको लिस्ट देखना है। तो मैं बिहार यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप अपने हिसाब से यहाँ कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम बिहार स्टेट सिलेक्ट किए, उसके बाद हमारे पास चार ऑप्शंस आ गए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, कौन से ईयर का आप काम देखना चाहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका ब्लॉक का नाम क्या है, और पंचायत, कौन से पंचायत का आप काम देखना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि मैं बता दूंगा आपको कि 2016 से लेकर 2017 के बीच में कौन से काम आए हैं, वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, उसके रिपोर्ट कार्ड कितने बन गए। तो यहाँ पर हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे जो भी ईयर का देखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कौन से बिहार डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट का हम काम देखना चाहते हैं। तो सिवान डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, तो सिवान डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। और हमारा ब्लॉक कौन सा है, हम कौन से ब्लॉक का काम देखना चाहते हैं, तो हम अपना ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर कौन से हम पंचायत में आते हैं, वो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमें मिल जाते हैं।
तो हम यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे हम अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। हम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखना है प्रोसीड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड पे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं एक एक करके आपको यहाँ से जानकारियाँ दूँ तो शायद बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन हम इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि आपके ग्राम पंचायत में, ब्लॉक में या जिला में कितने सारे काम आए और आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं। आपका जो भी मुखिया है, कोई भी है, वो ऑफिसर वगैरह है, इस काम का जानकारी आपको नहीं देता है तो आप यहां से पता कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपके पंचायत में कितना काम आया है। तो अब हम यहां से गाइज क्या करेंगे, यहां पे जो रजिस्टर्स दिख रहा है तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं नीचे में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है वर्क रजिस्टर। जैसे ही हम वर्क रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए गाइज, यहाँ पे आपके पंचायत में या हमारे पंचायत में या कोई भी पंचायत में जितना भी काम आया, डिटेल यहाँ पे सारे कुछ आपके सामने आ जाएंगे। ये सारे आपके सामने आ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पंचायत में कितने काम आए हैं। जैसे कि गाइज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख रहे होंगे गाइज कि हमारे पंचायत में अभी जैसे कि पूजा आने वाला है तो अभी पूजा के लिए भी पैसे आए हैं कि आप यहाँ पे जहाँ पे भी पूजा होने वाले हैं वहाँ आप मिट्टी भराएं, उसे साफ़ सुथरा बनाएं। तो देख लीजिए गाइज, हर एक चीज़ के लिए पैसा आता है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे पंचायत में किस काम के लिए पैसा आए। जैसे कि हाई स्कूल है, यहाँ पे देख रहे हैं उसके जो भी कैंपस में है, कैंपस में मिट्टी भराई का भी पैसा आया हुआ है और बहुत सारे ऐसे चीज़ के लिए पैसे आते हैं जो हमें पता नहीं होता। हर एक चीज़ छोटे छोटे कामों के लिए भी पैसे आते हैं। तो गाइज यहाँ से सब कुछ डिटेल निकाल सकते हैं और किन्हें शौचालय के लिए पैसा मिला आपके गांव में ये भी देख सकते हैं। यानी कि आपसे कोई मुखिया वगैरह कोई भी झूठ नहीं बोल सकते कि इसके लिए पैसा वगैरह नहीं आया है। आप यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं। ये एक हमारा सेंट्रल वेबसाइट है, यानी कि हम यहाँ से जो कुछ भी देखेंगे वो सब कुछ सही है, कोई चीज़ फ्रॉड नहीं है। आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर वो झूठ बोलता है कि नहीं काम ऐसा नहीं आया है या पैसा वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया है। तो यहाँ से सारी डिटेल और सारा जानकारी निकाल सकते हैं। तो आई होप सो गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है, सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।